नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ सीतम रजा में। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स का क्लास 8 का दिनांक 23 अगस्त 2024 का क्वेश्चन ऑफ द डे लेकर के उपस्थित हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का सवाल है 256 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस 256 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसको करने से पहले आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी याद कर लेनी चाहिए। तो आइए 256 देखें कैसे इसका प्राइम नंबर होता है, कौन कौन सा आप एक बार लिख लें, जिसके दो फैक्टर हैं, एक वन और एक इटसेल्फ। तो सबसे छोटी तो दो है, उसके बाद तीन, फिर पाँच, फिर सात, फिर ग्यारह, फिर तेरह, इस तरह से ये है, जो किसी बीच के टेबल से ना डिवाइड हो। अब आइए 256 है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो वन प्लेस पे सिक्स है तो टू से डिवाइड होगा, तो टू से डिवाइड करेंगे तो वन एंड टू और एट होगा। फिर टू से देखेंगे, वन प्लेस पे टू है तो यदि हम करते हैं तो ये हो जाएगा सिक्स और फोर। वन प्लेस पे फोर फोर है तो टू से देखें तो यह हो जाएगा 32। फिर वन प्लेस पे टू है तो हम देखते हैं दो रखते हैं तो यह हो जाएगा 16। अब 16 भी टू से डिवाइड हो रहा है तो यह हो जाएगा 8। अब 8 भी टू से डिवाइड होता है, 4 2। फिर ये तब तक जारी रखेंगे जब तक ये वन ना आ जाए। अब देखिए हम लिख सकते हैं 256 के बराबर में, 256 बराबर में देखिए दो कितनी बार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो आठ बार लिख सकते हैं। तो दो गुने दो आठ बार लिखेंगे, तीन चार पाँच छः सात और आठ, या 2 का पावर 8 भी लिख सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।